वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा शब्द कौन सा है? टूलकिट। जी हां, अगर किसान आंदोलन में छात्र उनके समर्थन में आए तो टूलकिट काम कर रहा है, अगर शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा है तो पाकिस्तान का टूलकिट काम कर रहा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना संबोधन क्या दिया दोस्तों? एक टूलकिट सक्रिय हो गया। सबसे पहले वो जो तमाम नारे बताए गए थे 2014 से पहले, याद है आपको, अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन आ जाएगा, इसके अलावा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब गोल पोस्ट बदल दिया है, यानी कि अब हम विश्व गुरु बनेंगे 2047 में, हमें विकसित बनना है 2047 में। तमाम जो नारे दिए गए थे अब उन्हें मुलतवी कर दिया गया है 2047 तक, और उसको लेकर टूलकिट काम करना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर वो रामदेव जो ये कहा करते थे काला धन आ जाएगा, जो कह रहे थे 2014 से पहले कि इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, और न जाने कितनी कितनी बातें। और जब देश की जनता और पत्रकारों ने इन्हें याद दिलाया था, तब आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? मेरी पूंछ फाड़ लोगे। जी, ये थे रामदेव। और अब उस टूलकिट के अंतर्गत ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगले 25 सालों में हम हमारी सनातन परंपरा से भारत को विश्व गुरु सुपर पावर बनवाएंगे, कह रहे हैं तथा कथित योग गुरु रामदेव। और ये जो टूलकिट है ना, सिर्फ रामदेव सरीखे तथा कथित योग गुरु और व्यापारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, पत्रकारों द्वारा। मसलन मैं आपको दो पत्रकारों के ट्वीट दिखलाना चाहूंगा, भाषा भी एक सी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर पढ़े यानी कि बगैर टेलीप्रॉम्प्टर को देके भाषण दिया, इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर को देके बगैर अपना भाषण दे रहे हैं तो इसमें कौन सी महान बात हो गई? आप लोग मेरे प्रधानमंत्री से इतनी कम उम्मीद क्यों करते हैं? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों पत्रकारों में किस तरह का टूलकिट काम कर रहा है। सबसे पहले ये वो मोहतरमा है दोस्तों जिन्होंने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में कहा था आप कौन सी टॉनिक खाते हैं, वही 82 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री मोदी का धारा प्रवाह, और वो भी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर। वैधानिक चेतावनी, कमजोर दिल वाले कवच लगा लें टूट ना जाए। मैं फिर पूछ रहा हूं, टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण देना क्या इतनी महान बात हो गई कि इन मोहतरमा को यह लिखना पड़ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दिया? अब एक और समाचार एजेंसी, उनकी संपादक क्या कह रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। ओनली टॉकिंग पॉइंट्स ऑन पेपर, प्राइम मिनिस्टर हैज नो टेलीप्रॉम्प्टर। गौर कीजिए शब्द पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे हैं। वर्ड्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से निकलने वाली बात। ही इज मेकिंग अ स्टरिंग स्पीच, एम्फेसिस ऑन एग्जैक्ट पॉइंट्स, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन, हिज ओन डिजायर टू वर्क फॉर ऑल इंडियंस। यानी कि दिल को झकझोर देने वाला भाषण। मैंने भी दोस्तों कल उनके भाषण पर एक कार्यक्रम किया था अपने एक दूसरे मंच पर, और मैंने कहा था कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी भाषण दिए हैं ये उनका सबसे बेहतरीन भाषण माना जाएगा। मगर मैंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। प्रधानमंत्री जो तमाम बातें कह रहे थे कहीं ना कहीं वो एक करारा तमाचा था उनकी अपनी पार्टी के नेताओं पर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कांग्रेस ने कैसे इन्हें आड़े हाथों लिया है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब भी कोई लड़की को गाली देता है, महिला को गाली देता है, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, और प्रधानमंत्री ये बात कहते कहते भावुक हो गए थे। कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन ने, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा
15 अगस्त को, और फिर वो खुद महिलाओं के बारे में क्या क्या कहते हैं वो इस ट्वीट में है। आइए वो वीडियो देखते हैं। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। मैं ये भी नहीं भूला हूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावों में जब मुकाबला ममता बनर्जी के साथ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में मंच पर चढ़कर उन्हें ट्रोल किया करते थे। कैसे, याद है आपको? दे दे, अ दे दे। और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने उस वक्त ट्रोलिंग की थी ममता बनर्जी की, उसी के चलते वहां की जनता काफी हद तक इससे नाखुश थी कि एक महिला के बारे में इस तरह से बात करने की आखिर क्या वजह थी। और मैंने कल अपने कार्यक्रम में कहा था, प्रधानमंत्री आपने जो बात कही वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर कथनी और करनी के बीच का क्या फर्क है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया। और बात यहां नहीं रुकती, ये ना भूलें इस देश में एक दंश सामने आया था, एक शाप जिसका नाम था पेगासस। उस पेगासस के जरिए महिला पत्रकारों, महिला नेताओं के फोन पर जासूसी की जा रही थी। इनमें कई महिला पत्रकार शामिल थे, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, यहां तक कि जिस महिला ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे, उस महिला के फोन को पेगासस के जरिए निशाने पर लिया गया था। उनके परिवार के कई सदस्यों को पेगासस के जरिए निशाने पर लिया गया था। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आजाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार वो पहली सरकार है जो पेगासस के सहारे, जो है कथित तौर पर महिलाओं के फोन के जरिए उनकी जासूसी करवा रही थी। आप में से कई लोग जानते हैं पेगासस कितनी खतरनाक चीज है। आपका मोबाइल फोन चाहे बंद भी हो, स्विच्ड ऑफ भी हो, तब भी किसी कंट्रोल रूम में बैठकर आपकी एक एक बात को कोई सुन रहा होगा, यही नहीं देख भी रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया, अभी कहा जा रहा है कि हम विश्वगुरु बनेंगे 2047 तक, यानी कि 2014 को जितने भी वादे किए गए थे वो सारे वादे देश की जनता को भुलाए जा रहे हैं, और कटघरे में कोई और नहीं, आपके अपने पार्टी के एक नेता आपको रख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अपने इस ट्वीट में कह रहे हैं कि 2017, 15 अगस्त 2017 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था, और उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक मैं कुछ वादे कर रहा हूं जो पूरे होंगे। और वो वादे कौन कौन से थे? हर साल 2 करोड़ नौकरियां, सभी को घर मिलेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन वजूद में आ जाएगी। इनमें से एक भी चीज वजूद में नहीं है। वजूद में क्या है दोस्तों? टूलकिट, वो टूलकिट जो कि प्रधानमंत्री के भाषण पर सक्रिय हो गया है। चाहे वो रामदेव सरीखे कथित व्यापारी हों, चाहे वो दो पत्रकार हों जिनके ट्वीट्स मैंने आपको दिखलाए थे, वो जो तमाम वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है।
किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। और आप जानते हैं जब किसानों ने एक साल तक आंदोलन किया था तो किन शब्दों के साथ उसे नवाजा गया था। 700 किसान उस प्रदर्शन में मर गए थे, मगर मोदी सरकार ने कहा था कि हम मुआवजा किसे दें, हमारे पास तो एक भी किसान का आंकड़ा नहीं है, एक भी मृत किसान का आंकड़ा नहीं है। उन किसानों को देशद्रोही आतंकवादी शब्दों से नवाजा गया था, उन्हें खालिस्तानी कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली में पंजाब जाते हैं और फिर जब किसान उन्हें रास्ते में रोकता है तब वो कहते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आ गया, और फिर उनका पूरा पालतू प्रचार तंत्र जो है वो किसानों को खालिस्तानी और न जाने कितने बदनाम शब्दों से टारगेट करना शुरू करता है। तो जैसे मैंने कहा ना, किसानों की आय बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया था। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की खास बात यह थी कि उन्होंने जो पहले 3-4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिए उनमें उन्होंने सावरकर को भी शामिल कर दिया, यानी कि गांधी, अंबेडकर, पटेल और उसी के साथ सावरकर को भी, वो सावरकर जिन्होंने आधा दर्जन बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो सावरकर जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तो कटघरे में सावरकर भी थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कल ट्विटर पर कांग्रेस ने जोकर सावरकर इस शब्द को ट्रेंड करवाया था, और सिर्फ कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने जोकर सावरकर को लेकर ट्रेंड नहीं किया, यह ट्रेंड आज भी हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, इस ट्वीट में जैसा कि आप देख सकते हैं वो 4 चेहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 4 चेहरों में 2 के बारे में कहा है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और 2 के बारे में वो गद्दार बता रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन, भगत सिंह जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, अशफाक उल्ला खान जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों को कीर्ति आजाद गद्दार बता रहे हैं। सावरकर के बारे में वो कह रहे हैं कि इन्होंने अंग्रेजों को न जाने कितनी बार माफीनामे लिखे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी एक महान राजनेता बताते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने जिन्ना के साथ एक नहीं दो दो जगह सरकार बनाई थी, बंगाल में और सिंध में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इन 2 चेहरों यानी कि सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कीर्ति आजाद ही नहीं बल्कि जो लोग जोकर सावरकर ट्रेंड कर रहे हैं इन 2 चेहरों को गद्दार बताया जा रहा है। ये तमाम वो हकीकतें हैं, ये वो तमाम तथ्य हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए मैंने कार्यक्रम में कहा कि कथनी और करनी का फर्क। मैं मानने को तैयार हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बहुत खूबसूरत था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत की जो सबसे खास बात यह है कि वो बहुत अच्छे भाषण देते हैं, और यह कहना कि उन्होंने अपना भाषण बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के कह दिया। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए थे, उनके पास आकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे हाथ मिलाते हैं, उस वक्त भी एक पूरा टूलकिट जो है वो एक्टिव हो गया था कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद अमेरिका के प्रधानमंत्री हाथ मिलाने आ रहे हैं। अरे भाई, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने कम की क्यों उम्मीद कर रहे हो? यह गुलामी वाली मानसिकता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया तो वह बहुत बड़ी बात हो गई। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इतनी कम उम्मीदें प्रधानमंत्री से ना रखें और इन पालतू मीडिया के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इस मंच पर हम असली सवाल करते हैं, हम सत्ता को कटघरे में रखते हैं, और कटघरे में इसलिए नहीं रखते हैं कि वो शर्मिंदा हों, बल्कि इसलिए कि वो बेहतर काम करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।